अस्सलामुअलैकुम तरन्नुम का जायका में आप सभी का खुशामदीद। आज मैं लेके आ गई आपके साथ एक नया चैलेंज वीडियो। हमारे चैनल पे पहले भी काफ़ी सारे चैलेंज वीडियो पोस्ट हुए हैं, तो मेरा फर्स्ट चैलेंज वीडियो था पानी पूरी चैलेंज। उसमें लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था हमें, तो हमने सेकंड चैलेंज किया था बलून फूड चैलेंज। उसमें काफ़ी लोगों का एक कहना था और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि मेरे भाई ने चीटिंग की थी फर्स्ट राउंड में, जिसमें आँख पे पट्टी बनी हुई थी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा जो चैलेंज होता है वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, सब तुरंत तुरंत होता है और इसमें एडिटिंग भी हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज हम थर्ड चैलेंज कर रहे हैं, तो इसका इस चैलेंज का नाम है मेरी बात बोल के बताओ। तो जीतने वाले को मिलेगा न्यू टी शर्ट। मेरे भाई लोगों को टी शर्ट बहुत पसंद है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमने फर्स्ट और सेकंड राउंड में पैसा रखा था जीतने वाले को, और इस बार हम न्यू टी शर्ट रख रहे हैं। तो मेरे साथ है मेरे दो भाई, लेफ्ट साइड है मोहम्मद कैफ और राइट साइड है मोहम्मद रैयान। तो बिस्मिल्ला करके हम अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। तो कैफ रैयान, आपके सामने आपको दिख रहा होगा पेपर ग्लास रखा हुआ है और जेली रखी हुई है दोनों जन के सामने। तो आप दोनों को ये करना है कि जेली को उड़ाकर मुंह से कैच करके खाना है, और कैफ आपको गिलास को उल्टा करना है और रैयान आपको गिलास को सीधा करना है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ठीक है, तो हम राउंड स्टार्ट करें। 3 2 1 स्टार्ट। क्या गुंडा बनेगा रे तू? कैफ का तो फर्स्ट चॉकलेट मिस हो गया है। रैयान ने फर्स्ट बाजी मार ली है। रैयान की भी सेकंड चॉकलेट मिस हो गई है। रैयान की थर्ड चॉकलेट भी मिस हो गई है। हमें ये देखना है कि किसके बाउल में से सबसे पहले चॉकलेट खत्म होती है। कैफ की तो काफी सारी चॉकलेट मिस हो जा रही है, रैयान की भी काफी सारी चॉकलेट मिस हो जा रही है। लास्ट में हम ये देखेंगे किसके बाउल में से सबसे ज्यादा चॉकलेट खत्म हुई है, और किसने कप को सीधा रखा है या उल्टा है, कितने कप सीधे हैं और कितने कप उल्टे हैं, ये भी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो कैफ ने काफी सारे कप उल्टे रखे हैं अभी भी, और रैयान काफी पीछे है ये राउंड में। मुंह से किसी से भी कैच नहीं हो पा रहा है, सबसे मिस हो जा रहा है कैच। ट्राई करो, होगा। Once more! तो कैफ का देखते हैं, कैफ का सेकंड लास्ट जेली है। दोनों जन की तो जेली यहां वहां जा रही है। अगर हमें जेली खाने से समझ में नहीं आया तो हम कप देख कर ही डिसाइड करेंगे कि विनर कौन है। मेरे
किसी से कैच नहीं हो पा रहा है, गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। तो आपको क्या लगता है कौन है विनर? मेरे हिसाब से विनर है रैयान, क्योंकि काफी सारे कप सीधे हैं और चॉकलेट खाने में तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्योंकि दोनों ने काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी। तो फर्स्ट राउंड के विनर है रैयान। तो अभी हम सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने देखा फर्स्ट राउंड के विनर थे रैयान। रैयान, आपको फर्स्ट राउंड जीतने के बाद कैसा लगा? इतनी खुशी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। आप दोनों चैलेंज में ये फर्स्ट टाइम ही फर्स्ट राउंड जीते, वरना हर बार बाजी कैप ही मार जाते थे। तो इस बार जो अभी सेकंड राउंड है, इसमें आप सामने देख सकते हो, आप दोनों के सामने रखा है बर्फ, ढेर सारे बर्फ है। तो इसमें आपको ये करना है कि आपको रखना है मुंह में बर्फ और जो वर्ड मैं बोलूंगी वो आपको 3 बार बोलना है। मस्त प्लान है। तो जैसे फर्स्ट राउंड में जीते थे रैयान तो हारे थे कैफ। तो कैफ स्टार्ट करेंगे, पहले कैफ बोलेंगे उसके बाद रैयान आपको बोलना है, और कौन जीतेगा इसका रिजल्ट मैं लास्ट में बताऊंगी। आप भी कमेंट करके बताओ कि कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं राउंड। तो कैप अपने मुंह में बर्फ रख लीजिए। रैयान आप भी अपने मुंह में बर्फ रख लीजिए। थोड़ा सा बर्फ को फील कीजिए। तो ठीक है, बर्फ को अच्छे से फील कर लिए। तभी कैप आप सबसे पहले बोलिए गुलाब। एक अल्फाज को आपको 3 बार बोलना है। गुआब, गुआब। क्या बोला तूने? गुआब। अभी रैयान आप भी यही वर्ड को बोलिए गुलाब 3 बार। गुआब, गुआब, गुआब। अभी सेकंड वर्ड है लड्डू। 3 बार लड्डू बोलिए कैफ। बबू, रघु, रघु। अभी रैयान आप भी वही वर्ड को बोलिए लड्डू। बब्बू, रघु, रघु। अभी थर्ड वर्ड है पापड़। क्या आप 3 बार पापड़ बोलिए। पापड़, पापड़, पापड़। अभी रैयान आप बोलिए पापड़ 3 बार। पापड़, पापड़, पापड़। तो अभी आप क्या बोलिए गुड़ 3 बार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गुड़, गुड़। अभी रैयान आप बोलिए गुड़। क्या बोला तूने? तो अभी आप दोनों जन अपने मुंह से बर्फ निकाल कर अभी दूसरा बर्फ मुंह में रखेंगे, फिर आगे का स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, थोड़ा मुंह को आराम दीजिए। तो क्या रैयान फिर से एक एक रख लीजिए बर्फ की। तो सबसे पहले कैप आप बोलेंगे कच्चा कद्दू पक्का कद्दू। ये आपको एक ही बार बोलना है। पक्का कद्दू, पक्का कद्दू। अभी रैयान आप बोलिए कच्चा कद्दू पक्का कद्दू। कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। अल्फाज सही नहीं हुए, आप वापस से बोलिए और थोड़ा जोर से बोलिए, हमारी ऑडियंस को सुनाई नहीं दे रहा है। कच्चा कद्दू पक्का कद्दू।
तो अभी क्या आपको बोलना है, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता। पके पेड़ पे। फिर से वापस स्टार्ट कीजिए। पके पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता। रैयान आपके मुंह से बर्फ खत्म हो गया, आपको फिर से दूसरा बर्फ का टुकड़ा लेना पड़ेगा। वो निकालिए और वापस से दूसरा लीजिए बर्फ का टुकड़ा। अभी आप बोलिए पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता। अच्छे से बोलिए एंजॉय करके। रियान को तो सुनाई नहीं दे रहा, फिर से मैं लाइन रिपीट करती हूँ। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता। थोड़ा जोर से बोलना है मगर। पके पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़िया पका पपीता। फिर से बोलिए पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता। ट्राई कीजिए, अभी मैं बार बार आपको नहीं बोल सकती हूँ। पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता। ओके, तो अभी हम वापस से दूसरा स्टार्ट करते। क्या आप दूसरा बर्फ रख लीजिए मुंह में। पूरा चिपक गया। तभी स्टार्ट करेंगे कैफ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये सुनने में थोड़ा मजा आएगा गाइस। ये कुछ तरीका है भीख मांगने का। रैयान अपने मुंह से बर्फ निकाल के दूसरा बर्फ का पीस रख लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो रैयान आप बोलिए खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बोलिए रैयान। मुंह से सुपारी निकल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी। फिर से बोलिए, कंप्लीट नहीं किए। रयान बोलिए। तो गाइस आज सेकंड राउंड यही कंप्लीट होता है। आपको क्या लगता है कौन जीता? तो अभी दोनों जन मुंह से बर्फ निकाल कर रख दीजिए। तो मेरे हिसाब से कैफ ने काफी सारे अल्फाज सही बोले और रयान ने काफी सारे अल्फाज सही नहीं बोले। तो सेकंड राउंड के विनर है कैफ। कैफ, आपको रैयान को हराकर कैसा लग रहा है? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। तो आपने देखा फर्स्ट राउंड के विनर थे रैयान और सेकंड राउंड के विनर है कैफ। अभी देखते हैं थर्ड राउंड में कौन जीतता है। तभी हम थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने देखा सेकंड राउंड के विनर थे कैफ। तभी हम थर्ड राउंड में खाना है आप लोग को लूडस, चॉपस्टिक से खाना है लूडस और 3 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, ठीक है? तभी हम स्टार्ट करें टाइम। 3, 2, 1 बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू कीजिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है।
फर्स्ट टाइम दोनों चॉपस्टिक से खाना खा रहे हैं, कभी भी इन्होंने चॉपस्टिक यूज नहीं किया है। आर यू कॉमेडी मी? देखते हैं सबसे ज्यादा कौन खाता है, सबसे पहले किसकी प्लेट खाली होती है। जिसने ज्यादा खाया वही होगा विनर थर्ड राउंड का। रियान तो गेम को कुछ ज्यादा ही सीरियस ही ले रहे हैं। कैफ का कहना है कि मैं जीतूंगा, पर रियान कह रहे कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। तो हमारे एक मिनट होने वाले हैं लगभग। रियान अपनी शक्ल तो दिखा दीजिए ऑडियंस को जरा सा, इतना खाने में बिजी है आप। शिट। दोनों जन गेम को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। आपको ये चैलेंज देखने में कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे बताना जरूर। देखते हैं जीतता है कौन। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा ये चैलेंज? रिजल्ट देखते तभी मुझे लग रहा है कि ये चैलेंज शायद कैफ जीत जाए, क्योंकि उनकी प्लेट में से काफी सारी चीजें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। खत्म हो रही है लगभग लूडस। रियान अपना फेस तो दिखा दीजिए कैमरे के सामने। तो टाइम हो गया आप। तो आपको क्या लगता है दोनों की प्लेट देख कर कि कौन जीतेगा? दोनों जन अपनी प्लेट दिखाइए। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन जीता है। की प्लेट देखने के बाद हमें ये पता चला कि थर्ड राउंड के विनर है रियान। तो रियान ये राउंड जीतकर आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई है। आपने कैफ को दूसरी बार हराया है, अभी चौथी बार भी हरा लेंगे। तो कैफ अपने हाथों से विनर को दे दीजिए उनका इनाम। तो न्यू टी शर्ट मिल रही है रियान को। Wow! Beautiful! तो जीतने वाले को तो उसका इनाम मिल गया, तो हारने वाले को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। तो हारने वाले को मिलेगा पनिशमेंट। तो पनिशमेंट लेके आइए रियान, पनिशमेंट का सामान लेके आइए। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो हारने वाले के मुंह पे लगेगा आटा। ओह माय गॉड, वाओ। तो रियान कैफ की मुंडी आटे में डालिए। झूठ बोल रहा है। अब जीतने वाले को इतना अच्छा इनाम मिला तो हम हारने वाले को कैसे छोड़ सकते हैं? हारने वाले को भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो कैफ अपनी मुंडी डालिए आटे में। भाई, 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 भाई,
कैसे तोले उठाए? मुंडी डालिए कैप। रैयान अपनी पूरी भड़ास निकाल रहे हैं गेम की कैप के मुंह पे। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। तो आज का चैलेंज वीडियो यही एंड करते। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करो और सजेस्ट करो हमें कि अगली बार हम कौन सा चैलेंज करें। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो में किसी ने चीटिंग की क्या की, हमें कमेंट करके जरूर बताना। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।